35 लाख रुपए लग गए इसमें और ये तैयार करा रखा है बहुत अच्छे ढंग से। और बाकी हाँ बाकी और आप इसको देखो और कोई कमी हो तो हमारे को बताओ, फिर लगा देंगे इसमें 2-4-5 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आप देख सकते हैं भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आप सभी के सामने लगातार आपके सामने लेकर क्या रहे हैं भाई। जो गुलिया खाप के प्रधान है सुनील गुलिया डिग्री बॉर्डर के ऊपर पहुंचे और भाई ट्रैक्टर और ट्रैली के साथ, मतलब जो ट्रैक्टर है ये भी बाद में दिखावाएंगे आपने, एक अलग से ट्रैक्टर और ट्रैली बना रखी है भाई साहब ने। सुनील भाई राम राम। राम राम। और कैसे भाई, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो आप समर्थन देने के लिए आज ही आए हैं, पहले भी आई थी? देखो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं गुलिया खाप 84 का प्रधान हूँ जी, चौधरी सुनील गुलिया। मेरा जीवन का इतिहास है, मैं 7-8 साल से मैं प्रधानी को संभाल रहा हूँ। आशीर्वाद ये मेरे पीछे खड़ी है, जो मेरी सरदारी जिनका आशीर्वाद है जी। उससे पहले हमारे पिताजी थे। मैं कभी भी समर्थन देने में विश्वास नहीं करता जी। समर्थन देना तो ये है कि समर्थन दिया और फिर जाके अपने घर में सो गए। बिल्कुल, मैं समर्पित होने के लिए आया हूँ यहाँ। मैं यहाँ बैठ के इनके साथ जब तक किसान आंदोलन करेंगे तब तक मैं यहीं बैठूंगा। अभी मेरे बहादुर भाई कलोई गाँव से आए हैं, कल मैं यहाँ पहुँचा था, 200 कंबल, ये पीछे हमारा दूसरा ट्रैक्टर खड़ा है, 200 कंबल और चाय की खाने की पूरी व्यवस्था इस ट्राली के अंदर लेके आए हैं। और लाडपुर गांव से अभी हमारा टेंट का सामान आने लग रहा है, कल मैं इस टेंट में रात को यहीं रुका था। हम यहाँ समर्पित होने के लिए आए हैं और किसान भाइयों का मजबूती से, जितनी हमारी मजबूत खाप है, जितनी हमारी बहादुर खाप, हमारी खाप का पुराना इतिहास रहा है, हम यहाँ समर्पित होने के लिए आए हैं, ना कि समर्थन देने के लिए। हम यहीं बैठेंगे और हमारे आदमी, कुछ आदमी घर चले गए, कुछ यहाँ बैठ गए, और मैं परमानेंट जब तक ये आंदोलन चलेगा, ये 2 महीने चलो या 2 साल चलो, मैं यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल 1 घंटा भी यहाँ से आउट होने का काम नहीं करूँगा। सुनील भाई सरकार है केवल नेताओं के साथ, किसान नेताओं के साथ मुलाकात कर रही है लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं निकाल रही है, क्या लगता है सरकार झुकेगी किसान आंदोलन के सामने? देखिए जो जन आंदोलन होता है वो आंदोलन एक ऐसा होता है, जनता बनाना जानती है तो जनता उखाड़ना भी जानती है। अभी मैं कल यहाँ आया हूँ, मैंने काफ़ी यहाँ घूम फिर के देखा है, यहाँ का माहौल देखा है, स्टेज से किसकी मुलाकात किससे हो रही है, यहाँ क्या मामला चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है, वो बयानबाजी मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट कमेटी भी बना रखी होगी, प्रवक्ता भी होगा यहाँ का, वो बात वो रखेंगे। बाकी यहाँ की व्यवस्था बड़ी ठीक है और मजबूत तरीके से किसान डटा हुआ है और हम भी अपने पीछे अपनी खाप में जन चेतना चला के आए हैं, लोगों को जगाने का काम करके आए हैं और आज पूरे देश का किसान जाग चुका है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस शांति प्रिय तरीके से ये आंदोलन चल रहा है और इसमें सरकार को किसान तोड़ने का काम करेंगे, सरकार को एक दिन इस काले कानून को ख़त्म करने का काम करना पड़ेगा, इसको सरकार को मजबूर और इसको झुकाने का काम किसान करेगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कानून तोड़ने का काम करना पड़ेगा लेकिन कल अजय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जेजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि कानून बनने के बाद कानून रद्द नहीं होते, कानून के अंदर केवल छांट गांठ कर सकते हैं हम इसके अंदर लेकिन इसको रद्द नहीं कर सकते। देखो उसके बयान मैंने सुने नहीं है लेकिन अगर वो ये चीज़ कह रहा है, वो बोल रहे हैं ना इस चीज़ को, तो ये दुर्भाग्य है। और दुष्यंत चौटाला को इन किसानों ने वोट दिया, बीजेपी के खिलाफ दिया, आज वो उनको समर्थन दे रहा है तो जनता ने उससे जवाब लेना चाहिए और उसको उसके घर से निकलने नहीं देना चाहिए किसानों को। ये मैं पूर्ण रूप से आपके माध्यम से बिल्कुल ऐलान कर रहा हूँ सभी किसानों। तो भाई सुनील गुलिया जी हैं जो गुलिया खाप के प्रधान है, भाई साहब क्या लास्ट में आप संदेश मोदी सरकार से, क्या अपील आप करना चाहेंगे इस वक्त, क्या लगता है किसानों का संघर्ष ये कामयाब होगा? मैं मोदी सरकार से एक ही अपील करता हूँ कि परमपिता परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और उनके दिमाग जो है ना वो किसानों की तरफ मुड़े और इस बात को देखे कि किसान आज इतनी सर्दी के अंदर यहाँ बैठा है। किसान का काम खेत में काम करने का होता है, अपने घर में आराम करने का काम होता है, अपने बच्चों को छोड़ के ये आदमी यहाँ बैठे हैं, लाखों की संख्या में आदमी वहाँ बैठे हैं, अपना कुंडली बॉर्डर पे यहाँ बैठे हैं और पूरे देश के अंदर अपने लेवल पर जन चेतना आंदोलन कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है। और ये इस दुर्भाग्य का जो मेन जो इसके कसूरवार है वो सरकार है, तो परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और इसको जल्द से जल्द इस बात को पर विचार करके किसानों की बात को मानने का काम करे। ये तो मेरा सरकार की को मेरी तरफ से जो है चेतावनी भी है और उनको उम्मीद करते हैं कि वो इस बात को सुनेंगे। और दूसरा ये है कि मैं एक विशेष अपील अपने भाइयों से भी करता हूँ, किसान भाइयों से, कि हम बॉर्डर पर बैठे, सामने हमारे फोर्स है,
अगर हम इस आंदोलन में थोड़ी सी भी गड़बड़ी करते हैं, हल्की फुल्की भी, तो ये सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये किसी तरीके का कोई ऐसा मामला करें कि जिससे हमारे को बहाना मिल जाए और हम इनको तितर बितर करने का काम करें। कोई भी ऐसी चीज़ जो है एलिमेंट्स को शरारती तत्व अगर हो उसको पकड़ के पुलिस को पकड़ाने का काम करें। बड़ी शांति प्रिय तरीके से बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है, ऐसे ही आंदोलन को लंबा चलाओ। आंदोलन लंबा चलेगा उसके अंदर कोई ना कोई निर्णायक जो है ना मोड उसके अंदर जरूर आएगा उसके अंदर। और मैं कहता हूँ कि जैसे किसान यहाँ बैठे शांति प्रिय तरीके से सरकार बिल्कुल और बिल्कुल आपकी बातों को मानने का काम करें। बिल्कुल बहुत धन्यवाद। ट्रैक्टर आपने मॉडिफाई आपने करवा रखा है? हाँ मैंने करवा रखा। कितनी कीमत का, कितनी कीमत लगा दिया आपने ट्रैक्टर? इसमें 35 लाख रुपए लग चुके मेरे ट्रैक्टर में। हाँ। अलग से फिर आपने? नहीं, पूरा पूरा सेट है ये पूरा। हाँ 35 लाख रुपए लग गए इसमें और ये तैयार करा रखा है बहुत अच्छे ढंग से। और बाकी हाँ बाकी और आप इसको देखो और कोई कमी हो तो हमारे को बताओ, फिर लगा देंगे इसमें 2-4-5 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आप देख सकते हैं कि मैं ट्रैक्टर कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार आप ट्रैक्टर को एक बार दिखाएं किस प्रकार से, मतलब ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने जो तैयार कर रखा है, डबल डबल जो टायर लगा रखे हैं। या आप देख सकते हैं सुनील गुलिया जो गुलिया खाप के प्रधान हैं, या आप उनका जो ट्रैक्टर, या आप देख सकते हैं काफ़ी बार मतलब जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ होती हैं उनसे भी ज़्यादा कीमत इस ट्रैक्टर की, लगभग 35 लाख रुपये लगा करके इन्होंने इस ट्रैक्टर को तैयार कर रखा है। जो कोई गाड़ी होती है आप देख सकते हैं गाड़ी भी 5-10 लाख रुपये की एक अच्छी गाड़ी आती है। आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर ट्रैली के ऊपर इन्होंने 35 लाख रुपये लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई कितने 2, 4, 6, 8, 10 लगभग 10-15 सवारी बैठ सकती है पीछे। जी आराम से बैठ। आप कहाँ से भाई? पंजाब बरनाला। पंजाब से कैसा लगा ट्रैक्टर? बहुत बढ़िया जी। ठीक है बहुत बढ़िया। चलो बिल्कुल आप देख सकते हैं भाई ट्रैली भी एक इन्होंने एक अलग तरीके से तैयार करवा रखी है। तमाम तस्वीरें राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और आगे एक बार ट्रैक्टर को भी मैं दिखाना चाहूँगा, यह तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये ट्रैक्टर भी इन्होंने एक अनोखे तरीके से ये तैयार करवा रखा है। यह आप तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से मैं जवाहर। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।